हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में अक्षत जैन जी बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत कमाल किया है। इन्होंने फाइनल की क्लासेस मेरे से ली, वहां पर इनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म का लाइन पता चला। आज ये वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी यूनिलीवर, जिसका यहाँ पर सब्सिडियरी भी है HUL। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी दुनिया में या इंडिया में बच्चा नहीं होगा जिन्होंने HUL का प्रोडक्ट यूज नहीं किया हो। तो वहां पर आज ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं इन अ वेरी वेरी गुड डिपार्टमेंट, हेजिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो ये बताएंगे हमें और डिस्क्रिप्टिव में कि कहाँ पर ये काम कर रहे हैं, कैसा इनको लग रहा है, कैसा इनका अनुभव रहा, क्लासेस का कैसा अनुभव रहा, और आगे चलकर ये आगे और अपने फ्रेंड्स को जो इनको देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, उनको क्या मोटिवेशन और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो प्लीज अक्षत जी बताइए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सही करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो अंत में आपका बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो अक्षत जी को देखकर मुझे यही याद आ रहा है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा इनको एक्सपोजर मिला है। और प्लीज बताइए, आपको मैं ये पूरा मंच दे रहा हूँ, बताइए, गाइड कीजिए, समझाइए, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, किस तरह से सब्जेक्ट से लिंक्ड है, हेजिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उससे कहाँ से लिंक है, बेस कितना अच्छा बन गया आपका, अब आगे आप क्या करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं और आगे क्या गाइड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। और इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत खुश खुश फील कर रहा हूँ कि मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर पाऊंगा। सर टॉकिंग अबाउट माई प्रोफाइल, सर आई एम इन टू ग्लोबल ट्रेजरी, तो यूनिलीवर के जितने भी सारे सब्सिडरीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका कंट्रोल सर हम लोग करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट करता है, बी इट फॉरेन एक्सचेंज, बी इट एनीथिंग रिगार्डिंग पेमेंट और रिसीट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फंड्स, बी इट डिविडेंड और एनीथिंग, हमारी जो डिपार्टमेंट है वो ही इसको डील करती है। और मेरा स्पेसिफिकली जो मेरा काम है वो हेजिंग से रिलेटेड है। तो सर मैं यूनिलीवर के जो फ्रंट ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, जो डीलिंग रूम्स है सर वो स्विट्जरलैंड में है। और सर मेरा काम होता है कि मेरे पास सर कुछ डेटा आता है जिसके बेसिस पे मुझे उनको हर डेली बताना पड़ता है कि कितना उनको फंड्स बाय करना है, कितना सेल करना है, कौन सी करेंसी बाय करनी है, कौन सी करेंसी सेल करनी है। तो सर कुछ लॉजिक्स है उनके बेसिस पे हम लोग ये एनालिसिस करके डेली बेसिस पे उनको डील्स हम सेंड आउट करते हैं। तो मेजरली 2 बारी डील सेंड आउट होते हैं, एक बारी यूरोपियन करेंसीज जो होती है उनके लिए मॉर्निंग में जाती है, और जो सर लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जो करेंसीज होती है उनके लिए हम लोग आफ्टरनून में जो है डील सेंड आउट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो रिपोर्टिंग होती है IFRF की, उसमें भी सर मेरा रोल रहेगा। अक्टूबर नवंबर में जो अभी रिपोर्ट्स आएंगी यूनिलीवर की, तो जो उसमें यूनिलीवर के जो इन्वेस्टमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है बुक्स ऑफ फाइनेंशियल जो रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो आता है, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा थोड़ा सा। इसके अलावा सर और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे एक और हमारा डिपार्टमेंट है पेरेंट्स एंड होल्डिंग, तो वहाँ से कभी कभार मुझे काम आता है कि 10 ईयर्स के अलग आपको बैलेंस शीट कंसोलिडेट करनी है। तो ऑल टुगेदर देखा जाए सर SFM का भी नॉलेज यूज हो रहा है, FR का भी नॉलेज यूज हो रहा है, इवन सर ऑडिट का भी नॉलेज यूज होता है यहाँ पे। आप जो पढ़ते हो किताबों में कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होती है, आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हो सर। ये तो सर कि सर ठीक है ये नॉलेज वाली बात है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो ग्रूमिंग एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आके होती है सर वो नेक्स्ट लेवल होती है सर। राइटिंग मेल इज एन आर्ट, कम्युनिकेटिंग विद पीपल इज एन आर्ट। सर डेली बेसिस पे मुझे ओवरसीज बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है, स्पेशली इन यूरोप एंड अफ्रीका में से मुझे बात करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों से रिगार्डिंग डील्स। तो सर अलग लोग लोगों से बात करके सर कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होता है। वेरी गुड। तो SFM या AFM का क्या योगदान रहा, मतलब आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इतना मोटिवेटेड आप कैसे रहे? बहुत कम लोग इस सब जान पाते हैं कि ये भी हमारा एक ऑप्शन है जहाँ पे हम इंडस्ट्री में जाके आर्टिकलशिप कर सकते हैं। और हाउ यू आर एक्साइटेड नाउ फॉर योर एग्जाम्स? सर सबसे पहले सर मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैंने SFM स्टार्ट करी और आपसे ली। जब मैं
इंडस्ट्रियल, जब मैंने अपना आर्टिकल शिफ्ट स्टार्ट किया था, आई वाज आई डिडंट नो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसा भी कुछ होता है। तो आपने बताया कि ऐसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली सब यूज होता है, तब जाके मुझे पता लगा अच्छा ऐसा भी होता है। ऊपर से जितने सारे मेरे सीनियर्स थे वो लोग आपके स्टूडेंट्स थे और उन्होंने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन किया, तो उनसे और आपसे मोटिवेट होकर सर मैंने भी सोचा कि नहीं मैंने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना है एंड आई विल लर्न कि वहाँ पे आगे होता क्या है। और जैसे सर आप सब क्लास बताते हैं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें करते हो, ये सब चीज ये सब जो काम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से करते हैं, आज सर मैं अपने सामने देख रहा हूँ, लाइक हमारा जो मिडिल ऑफिस, जो पूरा ट्रेजरी डिपार्टमेंट का जो मिडिल ऑफिस है वो उसमें सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इवन सर जो मेरे अदर ट्रेनीज है ना, जो सी इंडस्ट्रियल ट्रेनी वो CFA लेवल 1 क्लियर करके बैठे हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम CA दे आर ऑल्सो डूइंग CFA, तो सर बहुत मोटिवेशन मिलती है सर इससे। और जो हम क्लास में पढ़ते हैं कि हेजिंग, सबसे पहला कंसेप्ट हेजिंग का कि हेजिंग इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग, रादर इट इज अ रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस, वो सबसे बेसिक प्रिंसिपल आज आप यहाँ पे आके सीखते हो कि कैसे हम रिस्क मिटिगेट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कैसे हम डील आउट करते हैं। तो सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल हमने क्लास में सीखा था, आज प्रैक्टिकली देखने का जो मौका मिला सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये सब सामने और अच्छा लग रहा प्रैक्टिकली है देख आपसे के। बात करके। अभी आप कहाँ पर हो? अभी आप एट प्रेजेंट अभी कहाँ पर हो आप? सर एट प्रेजेंट तो मैं ऑफिस प्रेमाइस में हूँ, सैटरडे को सर मैं कभी कभी पढ़ने नहीं, ऑफिस प्रेमाइस में आ विच जाता हूँ। लोकेशन? बैंगलोर सर, करेंटली आई एम बैंगलोर इन में आप? बैंगलोर अच्छा, वेरी गुड जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप दिल्ली से हो, लेकिन आप बैंगलोर में भी जाके यहाँ पर अभी काम कर रहे हो, जो भी आप इंडस्ट्रियल जी ट्रेनिंग। सर तो मैं पिछ जी सर अब पूरा दिल्ली सारा आओगे तो मेरा जरूर बैंगलोर में मिलिएगा निकला मेरे है। से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सर आपसे तो सर मेरी आप लाइफ वन में ऑफ द बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एडऑन्स जिन्होंने हैं। बहुत नाम किया। मैं बहुत मानता हूँ कि जो बच्चे रास्ते पे, जो हम लोग दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं, अगर उस पे चलेगा बच्चा तो एग्जाम में 100 भी लाएगा, अपना आर्टिकलशिप में भी अच्छा करेगा, और अपना जो आफ्टर क्लियरिंग आर्टिकलशिप जब जॉब लाइन पे जाएगा तब भी अच्छा करेगा। तो हमारे बहुत सारे बिल्कुल स्टूडेंट्स, सर, HSBC हांगकॉन्ग में हमारी स्टूडेंट है सुरभि अग्रवाल, वो बहुत बड़ी पोस्ट में है, करोड़ों का पैकेज है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक नहीं हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें से आप भी अब हो गए शामिल, जहां पर आप यूनिलीवर जैसी कंपनी, वर्ल्ड की वर्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जहां पे आप स्विट्जरलैंड, जहां पे आप यूरोपियन लोगों से बात कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अपने आप में यही एक्सपोजर है, बात करने का कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंडस्ट्री का सारा एक्सपोजर, वर्क का एक एनवायरमेंट, ये सब चीज भी तो बहुत सारा मायने रखता है ना आगे चलकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इनफैक्ट सर जो आप क्लास के बाद डेली बताते थे ना कि आज हमने इंट्राडे में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, सर मैंने भी स्टार्ट किया था। मैंने इंट्राडे तो नहीं स्टार्ट किया था, बट मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैंने करना स्टार्ट किया था। और सर लाइक SFM की फीस तो मेरी मल्टीपल टाइम्स रिकवर हो गई होगी अभी तक, तो अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूं। इनफैक्ट सर आप लोग बोलते थे ना कि अपने घर वालों को बुलाओ, उनको भी बताओ, उनको भी दिखाओ ये सब चीजें, तो मेरी मदर को मैंने ऐसे बताया कि मेरे सर ऐसे ऐसे बताते हैं न्यूज के बेसिस पे, लोग स्टॉक परचेज और सेल करते हैं। तो सर मेरी मदर ने भी स्टार्ट कर दिया आपसे इंस्पायर होकर। सर आप मानोगे नहीं, पिछले 8 दिनों में बैक टू बैक मेरी मदर का 20% का रिटर्न है 2 स्टॉक्स पे बैक टू बैक, और बुक दैट्स अ करने के ब्रेकिंग बाद है सर, न्यूज़। इमोशनली है। तो मेरी मदर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है सर, वो BA उन्होंने आर्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको फाइनेंस कुछ नहीं पता। बट आपकी बातें सुन सुन के मैं क्लास स्पीकर पे चलाता था, तो आवाज पूरे घर में गूंजती, तो देख के इंटरेस्ट लिया और सर ये सब चीजें स्टार्ट करी। तो सर इन्वेस्टमेंट करना भी आपने सिखाया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या ये सब भी मैंने आपसे सीखा, और सर सब कुछ जो क्लास में पढ़ते हैं ना ये सब कुछ ऐसे प्रैक्टिकली दिख रहा है ना, तो 1-to-1 कनेक्शन बन रहा है बिल्कुल बहुत एकदम, तो अच्छा, मजा आ गया। आपकी मम्मी के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने मेरी मम्मी को सिखा दिया हम लोग की क्लास में। मतलब जब आप क्लास करते थे तो मम्मी ने भी थोड़ा बहुत सीखा, एंड लास्ट 10 डेज में हैविंग 20% रिटर्न, एंड आपने कहा कि अपना फीस भी रिकवर कर लिया। हालांकि हम सिर्फ लर्निंग की बात करते हैं, अर्निंग की बात हम बिल्कुल नहीं करते हैं। इट्स अ डिस्क्लेमर कि हमारी क्लास में सिर्फ लर्निंग होती है, लेकिन उस लर्निंग का इतना ताकत होता है कि फ्यूचर में जाके आप उसको बहुत अच्छी अर्निंग में बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, वी फोकस ऑन सर लर्निंग, वही बात है ना, जो मेरा मानना है, द मोर बिल्कुल यू विल सर, लर्न द मोर यू विल लर्न। लर्निंग में LEARN, EARN, लर्निंग में अर्निंग छिपी हुई है। सोचिए, कमाल की बात सोचिए, इतनी बड़ी कोइंसिडेंस और क्या हो सकती है, लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई बिल्कुल है। सर। इनफैक्ट सर देर इज अ सेइंग कि यू टीच अ हंग्री, यू गिव अ हंग्री मैन अ फिश, वो सिर्फ एक बार अपना पेट भर पाएगा, बट यू टीच अ हंग्री मैन हाउ टू फिश, वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। तो सर जो आपने इन्वेस्टमेंट की कला आज ये मेरे को, मेरी मदर को सिखाई है, लाइफ टाइम ग्रो करेगी। सर अभी 20% है, कल को 30%, पता नहीं स्काई इज द लिमिट, अब कितना अच्छा करते, बड़े अमाउंट्स लगाएंगे हम। तो सर ये स्टार्टिंग पुश जो होता है ना सर, ये मिल गया,
आगे सर अभी क्या, अभी तो सीए बनना है, अभी अभी तो प्लेन मेरा रनवे पे अभी टेक ऑफ करना है, लेकिन सर नहीं नहीं आपकी नहीं नहीं गाइडेंस से इसका बहुत अच्छा शुरुआत हेल्प मिली अच्छा होता सर। है तो अंत भी अच्छा होता है, बिल्कुल ये मान के चलिए। जी सर, बहुत अच्छा लगा, चलिए आप फटाफट आइए दिल्ली, मिलिए मेरे से, और एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग भी आप दीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेशली मतलब थोड़ा सा पूरा गाइडेंस लेना चाहते हैं कि भी क्लासेस के साथ कैसे हम इनकॉर्पोरेट करके क्लासेस को कैसे प्रैक्टिकल रूप में बना सकें, तो हम वो भी चाहेंगे। एंड हम चाहेंगे कि बिल्कुल सर, यू बिकम ए फेस ऑफ सीए कम्युनिटी की, भैया जहां पर बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है वहां पर आप थोड़ा गाइड कर सके। देखिए मेरा जो मानना है ना कि नॉलेज अपने पास सीमित मत रखो, नॉलेज को फैलाओ, अगर आपके पास कुछ अच्छा देने को है तो आप जरूर दो, अभी मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, सीधा बात है। तो अपने बिल्कुल ऐसा सर, नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों हेल्प करूं, ऑलवेज आप अपने जूनियर्स को एक गुड हेल्प करोगे तो डेफिनेटली वो एक ग्रो करेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम द मॉनिटरी सेटिस्फेक्शन, एक इनर सेटिस्फेक्शन भी जरूरी होता है। बिल्कुल सर, चलिए डेफिनेटली आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप कि आपको स्टूडेंट्स एक रोल मॉडल की तरह देखेंगे, यूनिलीवर जैसी कंपनी में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। डेफिनेटली सर। चलिए इनफैक्ट अगर सर किसी भी कोई ऐसा मोड हो कि जिससे कोई स्टूडेंट मेरे से पूछना चाहता हो, गाइडेंस लेना चाहता हो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कैसे जाया जाए, इंटरव्यूज को कैसे क्रैक किया जाए, तो सर डेफिनेटली मैं लिंक्डइन पे मैं हूँ, वो लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और सर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको एक और बताना चाहूँगा, छोटी सी चीज़ हम कनेक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स को, अपार्ट। सो आज जब बिल्कुल हमारे पास सर, स्टूडेंट्स आते हैं तो हम डेफिनेटली उनको कनेक्ट करवाते हैं, तो यू आर नाउ इन आवर दैट, वो स्टूडेंट है जो एक तरह के हेल्प करना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स। बट सर जो क्लास का अपना नॉलेज इतना इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प किया, लाइक मैंने अपार्ट फ्रॉम यूनिलीवर मेरे बार्कलेज में भी मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था सर, मैंने मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, इवन सर मैंने जैक्सन ग्रुप करके कंपनी है उसमें भी मेरे इंटरव्यू क्रैक हो गया था सर, ऑल बिकॉज ऑफ सर वॉट यू लर्न इन क्लास प्रैक्टिकली वहाँ पूछा जाता है। और जब कंसेप्ट पूरे क्लियर होते ना, वेरी गुड, तो कैसे भी वो केस स्टडीज दे दे, कैसे भी घुमा दे, व्हेन योर कंसेप्ट इज क्लियर यू विल क्रैक द इंटरव्यू। बहुत अच्छा। आप हमें क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, और आज आप एकदम जीते जाते उदाहरण है भैया कि देखो ये स्टूडेंट खुद कह रहा है कि क्लास के कॉन्सेप्ट में इंटरव्यू तक क्रैक हो जाता है, क्या ही कहना। कुछ भी पूछ ले, कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट तो सेम ही लगेगा, तो कहीं भी आपको कुछ अब भी कैसे भी एग्जाम में घुमा भी ले। 100 में 100 लाना है वैसे। बिल्कुल सर, पूरी तैयारी सर, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, दिल्ली आइए फटाफट, एक बार कांटेक्ट कीजिए मेरे से, और आपसे हम अलग से थोड़ा सा एक वीडियो भी लेंगे ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्प हो सके, बाकी जिनको भी कोई भी हेल्प चाहिए अक्षय जैन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, यू, बाय बाय सर। बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात।